लालू यादव से बात की, लेकिन आरजेडी के पूर्व सांसद ने थामा जेडीयू का हाथ। पार्टी नेताओं के सामने बताई अंदर की बात। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। बिहार में राजद के एक बड़े नेता ने हाल ही में राजद का साथ छोड़ा था। उस नेता ने नीतीश कुमार की पार्टी का हाथ थाम लिया है। जदयू में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि राजद की हकमारी उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उन्होंने उस दल को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने से पहले लालू यादव से भी उन्होंने बात की। राजद के पूर्व राज्यसभा सदस्य व कटिहार मेडिकल कॉलेज के संस्थापक अशफाक करीम ने शनिवार को जदयू की प्राथमिकता सदस्यता ग्रहण कर ली। जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सदस्य संजय झा तथा प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने करीम व उनके साथ आए लगभग 50 लोगों को जदयू की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर करीम ने कहा कि राजद की हकमारी उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उन्होंने उस दल को छोड़ दिया। अल्पसंख्यकों के 18% वोट है, पर उन्हें लोकसभा चुनाव में केवल 2 सीट दी गई। अल्पसंख्यकों को नीतीश कुमार पर भरोसा है। अशफाक करीम ने कहा कि अल्पसंख्यकों की राजद में अनदेखी के खिलाफ उन्होंने लालू प्रसाद से भी बात की, पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अल्पसंख्यकों का 90% वोट पहले राजद को जाता था, पर अब वे कहां जाएगा ये सभी को मालूम है। नीतीश कुमार पर भरोसा है अशफाक करीम। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर भरोसा है क्योंकि उन्होंने अल्पसंख्यकों के हित में काम किया है। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि इस बार अल्पसंख्यक समाज के लोगों का झुकाव जदयू की ओर है। अकलियत समाज के लोगों के हक में नीतीश कुमार ने किस तरह से निर्णय लिए हैं और वे उस समाज के लोगों को मालूम है। करीब ने यह भी कहा कि भाजपा के साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समाज के हितों के लिए काम किया है। राजद के कार्यकाल में भागलपुर दंगे के दोषियों को बचाया गया, जबकि नीतीश कुमार ने उन्हें सजा दिलाई। मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में मुस्लिम बहुल जिले में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में काफी काम हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।